अस्सलामुअलैकुम। ये देखें कि ये बंद गोभी के छोटे छोटे इसको काट लिए, इसके पत्ते बड़े बड़े थे बंद गोभी के, और इस पत्ते के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये नज़र आ रही है कि इसके इस पर जो है ना वो काला तेला, जिसको इधर इंडिया में पाकिस्तान में इसको काला तेला बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ब्लैक प्लांट हॉपर बोलते हैं, ब्लैक प्लांट हॉपर। तो ये देखें कि ब्लैक प्लांट हॉपर ये आपको पत्तों पर नज़र आ रहा होगा। ये इस वक्त मार्च की आज 12 तारीख है 2024, और ये देखें कि ये पूरे बंद गोभी के पत्तों पे ये काला तेला आ गया है। तो मार्च में ना, फरवरी मार्च में ये काला तेला नज़र आता है। अच्छा, अब इस वक्त हो रहे हैं, दोपहर हो रही है, इस वक्त कोई 1:30-2 बज रहे हैं। तो जब भी सनलाइट हो उसमें आपने इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइम पे सूरज निकला हुआ होता है और प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बना रहे होते हैं। तो बंद गोभी का भी प्रोसेस जो है, फूड प्रोसेसिंग उसका जारी होगा इस टाइम पे, इसलिए हमने इसको इस वक्त कुछ नहीं छेड़ना। जब सूरज ढल जाएगा, असर का टाइम स्टार्ट होगा, तो फिर मैं इसके ऊपर स्प्रे करूँगी, ठीक है। तो इस वक्त ये वीडियो मैं इधर ही बंद करती हूँ। जब असर का टाइम होगा, सूरज कम होगा, तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं स्प्रे करूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा। अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो ब्लैक काला तेला जिसका मैंने आपको दिखाया था बंद गोभी के पत्तों पे था, और ये एक और मैं आपको दिखाती हूँ टमाटर के ये पौधे हैं, और इसके ऊपर भी ये देखें काला तेला आपको शायद नज़र आ जाए इसमें कैमरे में। ये देखें काला काला, इसको कहते हैं काला तेला, जो कि ये इस वक्त मार्च का महीना है, मार्च का मिड है, आज 13 मार्च हो गई। ये देखें काला तेला, इसके ऊपर ये छोटे छोटे ये टमाटर का पौधा है, इसके ऊपर ये निकल आए हैं। इसी तरह इसके ऊपर देखें फूल हैं, लेकिन उसके साथ टमाटर भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे टमाटर हैं, लेकिन उसके साथ इसके ऊपर काला तेला आ गया है मार्च के महीने में। तो इसके लिए एक फर्टिलाइज़र है जो कि मैं बनाने लगी हूँ इस वक्त, लेकिन इस वक्त हो रहे हैं 2:30 बजे। तो दोपहर का टाइम होता है, जब दिन होता है, सनलाइट होती है, तो उस वक्त पौधे जो हैं वो अपना खाना बना रहे होते हैं। तो इस टाइम पर कोई स्प्रे जो है वो करना ख़तरनाक होता है पौधे के ऊपर। तो इस वक्त मैं सिर्फ फर्टिलाइज़र बना के इसका जो स्प्रे है वो बना के रखूँगी, और जब असर का टाइम होगा, धूप जब ख़त्म हो जाएगी या मगरब के बाद, मैं इसके ऊपर स्प्रे कर दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको बना के ये बता रही हूँ। ये है एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डालना है, थोड़ा सा आम सिरका, सो मेरे पास ये वाला सिरका है, और वाइट विनेगर है, और ये थोड़ी हल्दी है, हल्दी, ठीक है, ये वाला हल्दी का पैकेट आप ले लें। तो ये हल्दी आपने डालनी है, ये पानी में मैं डालूंगी इस पानी में, और फिर इसको मैं इस बॉटल में डाल के कीफ से इस बॉटल में डालूंगी, और मैं असर के टाइम पे या मगरब के बाद मैं इधर इन टमाटरों के पत्तों पे और मैं स्प्रे करूंगी। तो जब सनलाइट ख़त्म हो जाती है तो उस टाइम पे स्प्रे करना चाहिए, और जब मैं स्प्रे कर दूंगी तो फिर अगले दिन कल सुबह सूरज निकलने से पहले इसको को सिर्फ पानी से, इस बॉटल में मैं सिर्फ खाली पानी डाल के मैं इन्हीं पत्तों के ऊपर दोबारा स्प्रे कर दूँगी, ठीक है, ताकि जो भी कुछ स्प्रे हुआ हुआ है पत्तों पे वो उतर जाएगा, और जो ब्लैक मोल्ड है, ब्लैक हॉपर जो है, जिसे उर्दू में काला तेला बोलते हैं, वो भी इसके ऊपर से इंशाल्लाह उतरा हुआ होगा। तो ये थी मेरी वीडियो। तो आप इसी तरह इसमें स्प्रे बनाएँ इसमें इसके ऊपर काले तेले के ऊपर, और लगाने स्प्रे करने के लिए। तो मुझे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।